ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के 20 जिलों की 90 नगर निकाय चुनावों और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे दमखम से उतरने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में अंतिम छोर पर बैठे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने व नगर निकायों में विकास के मुद्दों को लेकर आरएलपी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने मुफ्त बिजली और टोल मुक्त राजस्थान के लिए बड़ा आंदोलन करने की बात कही। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान सहित जनहित के कई मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में आरएलपी गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। हनुमान बेनीवाल के जयपुर स्थित आवास पर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग और खीमसर विधायक नारायण बेनीवाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इससे पहले पिछले वर्ष के दिसंबर माह में 12 जिलों की 50 निकायों पर हुए उपचुनाव में भी रालोपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि तब रालोपा को बुरी परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा था। 50 निकायों में से सिर्फ एक सीट पर ही रालोपा प्रत्याशी की विजय हुई थी। सांसद हनुमान बेनीवाल के लोकसभा क्षेत्र नागौर तक में भाजपा का बोर्ड बना था। रालोपा पार्टी को शहरी जनता ने आईना दिखाकर उसे बीते चुनाव में सबसे फिसड्डी साबित किया था। इसके साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीएम गहलोत के बीच सियासी गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि 22 वर्षों से राजस्थान में वसुंधरा गहलोत के आपसी गठजोड़ से राजस्थान में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप से बढ़ा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि जिस तरह राजे ने संगठन के समानांतर सूची निकाली है, इससे जाहिर हो रहा है कि राजे ने प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को चैलेंज किया है। वहीं 16 दिनों से किसान आंदोलन के समर्थन में जारी आरएलपी के पड़ाव के मुद्दे पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि शाजापुर बॉर्डर पर आरएलपी का किसान आंदोलन के समर्थन में पड़ाव जारी है, यह आगे भी जारी रहेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।